तो ट्रिपल एच हो चुके हैं इंजर्ड, और क्या इंजरी उनको हुई है, कितनी सीरियस है, वो इंजरी करेंगे इस वीडियो में बात। अगर आप ये जानना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं बात ट्रिपल एच की इंजरी के बारे में जो उनको हुई है क्राउन ज्वेल पे पर व्यू में। अगर आपने क्राउन ज्वेल पे पर व्यू देखा है तो एक ऐसा मोमेंट हमें देखने को मिला था जहां पे ट्रिपल एच को चोक स्लैम करा था केन ने थ्रू द टेबल, तो वहां पे जो है ट्रिपल एच को हो गई थी इंजरी और उनकी पेक्टोरल मसल जो है वहां पे हो चुकी है प्रॉब्लम। और पेक्टोरल मसल क्या होती है, एक मसल होती है जो चेस्ट से हमारी अपर आर्म और शोल्डर को कनेक्ट करती है, तो टॉर्न पेक्टोरल मसल की जो है वो इंजरी हुई है ट्रिपल एच को। और WWE ने अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पर भी अनाउंस कर दिया है कि जैसे ही WWE का क्रू जो है वो वापस USA पहुंचेगा तो इस आने वाले हफ्ते में ट्रिपल एच की सर्जरी होने वाली है, और उनकी इंजरी जो है वो कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स सर्जरी होने के बाद जो है कुछ महीने तक ट्रिपल एच लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि उनको रिहैब करना पड़ेगा अपनी इंजरी से। तो हो सकता है कि WWE इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस भी कर दे मंडे नाइट रॉ में ट्रिपल एच की इंजरी का, हमें बता दे या फिर कोई और नया अपडेट दे दे, तो वो जैसे ही मेरे को पता लगेगा वो मैं आपको जरूर बता दूंगा। लेकिन जो शॉन माइकल्स और अंडरटेकर का मैच WWE प्लान कर रही थी आगे जाने के लिए, अगर उसमें ट्रिपल एच का कोई भी लिंक था या फिर किसी तरीके से उनको ट्रिपल एच को यहां पे यूज करना था, तो हो सकता है कि अब वो प्लान्स जो है WWE पॉसिबल ना हो पाए क्योंकि ट्रिपल एच को हो चुकी है इंजरी। आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको अंडरटेकर और केन का मैच अगेंस्ट ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स कैसा लगा, आपको इन रिंग रिटर्न जो था शॉन माइकल्स का कैसा लगा इस पे पर व्यू में। मेरे हिसाब से जो मैच था वो अच्छा था, और जो रेसलिंग हमें देखने को मिली वो सुपर शोडाउन के कंपैरिजन में तो अभी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये मैच जो था वो थोड़ा बोरिंग हो गया था। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इस मैच की मेरे को सुपर शोडाउन वाले अंडरटेकर और ट्रिपल एच के मैच से तो काफी अच्छा लगा। और DX की विक्ट्री जो हमें यहां पे देखने को मिली वो इसी वजह से है कि अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स WWE बुक करेगी, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो अंडरटेकर को पिन नहीं किया गया था इस मैच में, जो पिन हुआ था सुपरस्टार वो था केन, तो यहां से अंडरटेकर और शॉन माइकल्स की जो राइवलरी है WWE स्टार्ट कर सकती है, और रेसलमेनिया में हमें देखने को मिल सकता है वन टाइम एक बार फिर से शॉन माइकल्स और अंडरटेकर का मैच। गाइस तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये हेल्पफुल लगी और आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।